तो कलंगूट बीच के पास चलेंगे, सारा सामान सब है यहाँ पर। तो सभी लोग जो है लिफ्ट में हैं और किस तरह से देख सकते हैं इधर। तो यहाँ पे हम सभी रेडी हो चुके हैं और आज हम दोनों ने पहना है मैचिंग। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए अपने रिसोर्ट पर जो कि है सेंटा मोनिका रिसोर्ट। तो हम लोग आ गए जी ब्रेकफास्ट करने के लिए और ब्रेकफास्ट में जो है अच्छा खासा आइटम है, बुफे सिस्टम है। गाड़ी को पार्क करके हम लोग चल रहे हैं कलंगूट बीच की तरफ। यहाँ से जी हमारी एंट्री हो रही है बीच पर। यहाँ पर जो है शिवांश और त्रियांश दोनों बहुत मजे में खेल रहे हैं। तो जिया यहाँ पर डिली हुई है, यह चश्मा यहाँ पर अपने को सब्सक्राइबर मिल गया है। टी-शर्ट है आई लव गोवा वाला, यह ले लिया जाए। पूछी गए पूछी। पानी में जाने के लिए क्रियांश तत्पर है। अब जो है बारी है नहाने की, स्विमिंग पूल में जा करके हम बैठे हुए हैं और क्रियांश और क्रियांश के पापा जो है नहाई नहाई कर रहे हैं। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी, स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो जी अभी तक हम लोग थे पंजिम सिटी में और पंजिम सिटी के आसपास जो भी जगह हम लोग घूम रहे थे वो सब चीज तो आपको जा करके दिखा दिया। और अब यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं किसी और अलग जगह जो कि है कलंगूट बीच। हाँ क्या चलिए, शिवांश बोल रहा है चलने के लिए। तो कलंगूट बीच के पास चलेंगे, सारा सामान सब है यहाँ पर। बहुत सारा सामान तो नीचे लेकर के चले गए हैं और टैक्सी भी जस्ट आने ही वाली है। बात हुई है रुद्र भाई की और हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं और इधर सारा हो रहा है साफ सफाई सब। और क्रियांश जो है जाने के लिए एकदम बेताब है, सोच रहा है कि कब यहाँ जो है ग्रेट खुले और क्रियांश यहाँ से निकले। एक क्रियांश तो सभी लोग यहाँ पर जमा है। क्या लिफ्ट नहीं आ रहा है? क्या लिफ्ट करिए ना, खोलिए ना उसको, नीचे चला गया ले। चार पर खड़ा था बहुत देर से, अब चला गया होगा, कोई आ गया होगा। A few moments later. तो सभी लोग जो है लिफ्ट में हैं और किस तरह से देख सकते हैं इधर, ये कुछ हालत है हमारी। और शिवांश तो नजर ही नहीं आ रहा, कहाँ है शिवांश? अच्छा नीचे है वो बैग, ये इधर इधर है। और इधर क्रियांश जो है बहुत खुश है लिफ्ट में चढ़ के। चलिए जी आ गया डेस्टिनेशन, तो निकलते हैं यहाँ से। तो इंतजार कर रहे हैं जी टैक्सी के आने का और टैक्सी वाले भाई साहब क्या कुछ बताए किधर है? तो यहाँ पे हम सभी रेडी हो चुके हैं और आज हम दोनों ने पहना है मैचिंग। पहले पूजा ने लिया था, फिर इसको था कि हम भी सेम पहने, आज हम नहीं पहने थे तो बोल के जिद करके मुझे ये पहना दी। साथ में घूमने जाते हो ना, सेम सेम ड्रेस रहता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। हाँ। और ये नहीं पहन रही थी तो जबरदस्ती मैंने इसको बोला। हाँ, अजीब सा वाइब सा आ रहा है ना, रिफ्लेक्ट हो रहा है अजीब सा। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो हम लोग यहाँ पे टैक्सी का वेट कर रहे हैं, हमारी टैक्सी आएगी फिर हम लोग जाएंगे। हम और पूजा जाएंगे बस टैक्सी से और ये लोग ये आएंगे बाइक से और भैया आएंगे स्कूटी से। वैसे भी इतना लगेज है ना ये लोग, बहुत लगेज हो गया है। क्या हुआ बेटी? शिवांशु का बाल इतना प्यारा लग रहा है, बटरफ्लाई वहाँ पे। ये दोनों वेट कर रहे हैं तो जैसे उसके हेयर के बारे में नहीं बोलना, नहीं तो वो ना नोच लेगा। अच्छा One hour later. तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं अपने होटल और पतिदेव अभी आए नहीं है और क्रियांश पापा को ढूंढ रहा है। देख लो मुझे शक्ल, पापा आइए। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए अपने रिसोर्ट पर जो कि है सेंटा मोनिका रिसोर्ट। यहाँ भी आ रही है, उधर पीछे से क्रियांश भी आ रहा है। और इस रिसोर्ट की एक खास बात क्या है, यहाँ पर आपको जो है स्विमिंग पूल भी मिल जाएगा, तो दो नाइट यहाँ पर स्टे है, मजे कर लो यहाँ पर। नैलॉन का कपड़ा है मेरे पास तो है शायद, ट्राउजर नहीं है, कोई बात नहीं ले लेना। तो रूम के अंदर तो हमारी एंट्री हो गई जी और सारा सामान सब जो है रख दिया है और हम आ गए थोड़ी देर बाहर। कुछ वीडियो सब अपलोड करना था क्योंकि अंदर में जो है नेट का इशू है, एक यही प्रॉब्लम रहा इस रूम का, बाकी सब कुछ तो अच्छा है। यहाँ स्विमिंग पूल है, उसके बाद जो रूम का जितना भी फैसिलिटी होता है एक होटल में सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पर। इसके बाद जो है जिनको भी ड्रिंक सब करना है तो पीछे जो है देख रहे हैं काउंटर सब बना हुआ है, तो लोग सब जो है वहाँ से ड्रिंक उठा करके पूरा ले सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। ये चीज पूरा एक जो भी लग्जरी फैसिलिटी होता है वो सब कुछ है। बस एक चीज में मिसिंग रह गया है, वाईफाई, जो कि थोड़ा दिक्कत करेगा ये, क्योंकि जो मोबाइल का नेटवर्क है वह भी वहाँ सही से नहीं रह रहा है। तो इसके लिए तो वीडियो अपलोड करने के लिए उसको बाहर आना पड़ रहा है, बस यही एक इशू हो गया, बाकी सब ठीक है। Three hours later. तो अभी बज रहे हैं जी शाम के 5:30 और इस समय जो है हम लोग प्लान कर रहे हैं बाहर जाने का। जी हाँ, हम लोग जाने वाले हैं कलंगूट बीच, तो वहाँ पर चलेंगे और फिलहाल जो है जाते हैं बाहर स्विमिंग पूल के पास। क्रियांश वहाँ का नजारा देखेगा और आनंद लेगा। क्रियांश को लेते हैं जी बाहर और क्रियांश यहाँ करके जो बहुत खुश है और अपना कूड़ा फाती सब जो है कर रहा है। और यह है स्विमिंग पूल, देख रहा हूँ सफाई रेगुलर हो रहा है, मेरे सामने ही देखा सफाई करते हुए और पानी साफ भी है। फिलहाल तो चल रहे हैं बीच पर, आज तो हम लोग इसमें नहीं जाएंगे, अगर होगा तो रात में करेंगे, यानी तो अगले दिन। और क्रियांश जो वहाँ पानी देख लिया है, पानी में जाने के लिए क्रियांश तत्पर है। कोई बात नहीं बेटा, चलेंगे वहाँ पर, समय आने दो, फिलहाल चलो बीच पर। वहाँ पर भी जो इसको रेत फेंकने में मजा आता है, पूछिए मत। इस रिसोर्ट में जी देख सकते हैं कितने ही सारे रूम है, एक बिल्डिंग उस साइड है जो रिसेप्शन के साइड वाला हुआ, उसके बाद दूसरा बिल्डिंग इधर है और तीसरा बिल्डिंग इधर है। अच्छा खासा रूम है इनके पास, अच्छा खासा कैपेसिटी है। सभी रेडी हो चुके हैं, क्रियांश भी आ गया है बाहर से घूमी घूमी करके।
बिल्कुल जी, हम लोग बाहर गए हुए थे, इंतजार कर रहे थे जी आ जाएगी, लेकिन देखिए जिया के आने की कोई उम्मीद ही नहीं दिख रही थी, तो हम सोचे आ जाते हैं, तब जल्दी तैयार होंगे और चलेंगे। तो देखिए तैयार भी हो गई जल्दी, ये चाबी ले लिया। निकलो भैया, कुछ छूटा नहीं ना, पापा का फोन नहीं छूटा ना, पूछो पापा को फोन नहीं छूटा ना, पहले हमको भी बोलता था आ जा, अब नहीं बोलता है। ये है डॉगी जिसके साथ अग्रियांश खेल रहा है। अग्रियांश अच्छा लग रहा है आपको? डांट रहे डॉगी को। A few moments later. तो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे मार्केट हैं और बहुत सारी ड्रेसेस के भी दुकान है। 20 minutes later. कल इसी से खेल रहा था ये दोनों, हमने क्रियांश के लिए भी यह एक ले लिया है, क्योंकि वह शिवांश को खेल के देखता तो जिद करता हमें भी चाहिए, इससे अच्छा पहले ही ले लो ताकि लड़ाई नहीं हो। मेरी गाड़ी जी लग गई है पार्क में, गाड़ी को पार्क करके हम लोग चल रहे हैं कलंगुटी बीच की तरफ, और यहाँ से जो है डिस्टेंस है 100 से 200 मीटर के करीब है, और इधर का सीन देखिए जी एकदम क्या जबरदस्त लगता है, वॉकिंग स्ट्रीट हर तरफ आपको पार्टी करते हुए नजर आएंगे, और यहाँ पर जो है आप हर एक दो शॉप छोड़ करके देखेंगे यहाँ पर कोई ना कोई पब खुला हुआ है, कोई ना कोई रेस्टोरेंट बार है यहाँ पर, और रास्ते में जो है नहीं लेना है जी, और टैटू के लिए भी सभी लोग जो है आगे यहाँ खड़े हैं टैटू बनवाने के लिए। ओ भाई साहब, लेकिन नहीं बनवाना है मुझे टैटू। यहाँ से जी हमारी एंट्री हो रही है बीच पर, तो देख सकते हैं, और उधर जैसा कि हर शहर में आजकल देखते होंगे आई लव, और शहर का नाम रहता है आई लव गोवा, वहाँ पर लगा हुआ है, शायद आपको नजर नहीं आ रहा होगा, चलिए नजदीक चलते हैं दिखाते हैं। ज्यादा जो यहाँ पर मजे कर रहे हैं वो यही दोनों बच्चे कर रहे हैं, तो जिया यहाँ पर डिली हुई है, यहाँ चश्मा देखिए, ओए यहाँ मिला हुआ है 250 का, यहाँ पर अपने को सब्सक्राइबर मिल गया जो जिया के साथ फोटो ले रहे हैं। 20 minutes later. तो बीच से हम लोग आ गए हैं जी शॉप पर, और सोचा कि यहाँ जो टी शर्ट है आई लव गोवा वाला यह ले लिया जाए, देख लो दो साइज लगे सही, तो क्रियांश के लिए जिया के लिए तीनों अपना मैचिंग ले रहे हैं, और साथ में जो है चाहिए, और साथ में जो है ये देख लो आ जाएगा तुमको फिट, थोड़ा लो ना एक साइज बड़ा ही लो ना, ढीला ही पहनता है सर, एक साइज बड़ा दे दो इससे। यहाँ रुद्र भाई आ गए अपना टैटू करवा के, कैसा रहा एक्सपीरियंस? अच्छा दर्द है। One hour later. अपने रूम के अंदर आ गए और क्रियांश जो है मालिश करवा लिया है मेरे छे, और बदमाशी कर रहा है क्रियांश, क्रियांश इधर दिखाना, क्या कर रहा है क्रियांश? एक्टिंग कर रहा है, एक्टिंग पूछू तो एक पूछू, बाय कर दो बाय। क्रियांश सिर्फ एक्टिंग करता है आजकल, एक्टिंग करने के लिए सीखा है। तो फिलहाल मम्मा बेतू रेस्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? रेस्ट कर रहे हैं। क्या कर रहा है क्रियांश? क्या कर रहा है क्रियांश? क्या कर रहा है? फोन करके बता रहा है कि हाँ मजा आ रहा है होटल में। हाँ दादी को फोन कर रहा है, बाबा कर रहा है फोन, किसको फोन कर रहा है? दादी को। हेलो, हाँ ये देखो, हेलो ये हेलो क्रियांश, हेलो कर रहा है, हाय 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 कर रहा है, वाह 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 क्रियांश, हाय बाय क्रियांश बाय, डिंग 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 कर रहा है। नेक्स्ट डे, तो अभी बज रहे हैं जी सुबह के 10:30, और इस समय जो है हम लोगों का जो है कुछ देर पहले ही हम लोग सो करके उठे हैं, और अब समय हो गया ब्रेकफास्ट करने का, तो हम सभी लोग चल रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, और क्रियांश भी सुबह सुबह एकदम तैयार हो गया है, और जितना रूम में सामान सब बिखरा हुआ है सब इसी का किया धरा है, तो अब हाँ तो अब सभी लोग चलते हैं नाश्ता करते हैं, और क्रियांश का दूध भी वहाँ मिल जाएगा, चलते हैं। हे क्रियांश, हे हे, हाय कर दो, हाय क्रियांश, हाय क्रियांश, हाय, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, चलो पूछी दे दो, पूछी पूछी दे दो, मुझे मार निकलियो, बाल खुला ये मेरा देख नहीं सकता है, ऐसे बाल लेता पकड़ के खींच दे, क्या बोल रहा है चाची? चाची चलो, तो हम लोग आ गए हैं जी ब्रेकफास्ट करने के लिए, और ब्रेकफास्ट में जो है अच्छा खासा आइटम है, बुफे सिस्टम है अपना, जा करके जो भी है सब आप ले सकते हैं, ये आलू की सब्जी, ये है आलू पकौड़ा, साथ में ये है वाटरमेलन का सलाद, और साथ में जूस,
और जिया ने लिया है पोहा और ये चटनी और ये सब क्रियांश भी खा रहा है, खुद भी खा रही है। One hour later. हम लोग का ब्रेकफास्ट हो गया थी और अब जो है बारी है नहाने की, तो नहाते हैं सीधा स्विमिंग पूल में जा करके। और क्रियांश भी थोड़ा सा वहाँ पर खेल लेगा और वहाँ पर और भी बच्चे हैं तो क्रियांश को भी मन लगेगा। और क्रियांश तो बेचारा बेताब है कि कब से चल रहा है, ये देख रहे हैं उतरना चाह रहा है। डरपोक है क्रियांश, डर भी है मजा भी लेना। हम बैठे हुए हैं और क्रियांश और क्रियांश के पापा जो है नाई नाई कर रहे हैं। अपना ये लो चश्मा पहनो, चश्मा पहनो क्रियांश। वाह क्रियांश, वाह देखो क्रियांश, वाह क्रियांश। ये अपने पापा से बहुत प्यार करता है, अपना चश्मा खुलवा के पापा को अपना वाला पहना दिया। अब पापा का चश्मा पानी में गिरा दिया। हम भी आए पानी में, अब आ जाओ तो ड्रोन शॉट भी लेते आओ ना। यहाँ पे ये गए थे ड्रोन उड़ाने के लिए और इनकी बैटरी जो है चार्ज ही नहीं थी और हमारे पास चार्जर भी नहीं था, तो इसलिए जो है कॉन्टेक्ट किया यहाँ पर कि किसी के पास चार्जर हो, तो जो यहाँ के स्टाफ है उन्हीं का सी टाइप चार्जर था तो मिल गया। हाँ। और वहाँ चार्ज लग गया है और क्रियांश तो इतना एक्साइटेड है, पूछो ये देखिए इसको है कि ना सब कोई पानी में रहे। हाँ। ये बाहर गए तो चिल्लाने लगा, बस उसी चिल्ला रहा है। मन में आ रहा है क्या, मन में आ रहा है ये देखो तो। ये तो जी हम आ गए हैं रूम के अंदर और जैसे ही रूम के अंदर आए तो देखिए हमारा जो ऑर्डर दिया हुआ था वह भी आ गया है। सबसे पहले खाना खा लेते हैं क्योंकि खाना अभी गर्म गर्म रहेगा, तो अपना गर्म खाना खा करके और यहाँ से चलते हैं। और यह खाने में जो मंगवाया हुआ है, हमने रोटी मंगवाया हुआ है और साथ में पराठा मंगवाया हुआ है, देख सकते हैं प्लेन पराठा है और साथ में जो है मंगवाया हुआ है पनीर का कोई आइटम था, पनीर बटर मसाला, हाँ वो मंगवाया हुआ है और सब कुछ। और साथ में क्रियांश के लिए दूध भी मिल गया, इन सब कुछ का बिल मिला करके 490 में आया जो कि लग रहा है कि एक डिसेंटी प्राइस है तीन लोगों का 500 रुपए में। ठीक ही है, गोवा है और वो भी पीक सीजन में हम आए हैं तो इतना तो रेट लगता ही है। उसे भी जो बाहर खाते हैं कटिहार में हम लोग, हाँ, तो यही रेट लगता है, यही रेट लग जाता है रेस्टोरेंट में जब भी जाते हैं, तो वही है जी।